अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है जी 29वीं रात, आज 28वां रोज़ा जो हो गया अफ्तार कर लिया, तो कल इंशाल्लाह जो है 29वां रोज़ा होगा, तो प्रोबेबली आखिरी रोज़ा भी हो सकता है, सेकंड लास्ट भी हो सकता है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कल इंशाल्लाह शाम को फिर चांद देखेंगे, फिर पता चलेगा चांद नज़र आता है नहीं आता, तो क्या जरूरत है। तो खैर, तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है, तो कल का इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद जा रहे हैं ईद करने के लिए, और कल इंशाल्लाह जाएंगे, तो उसके लिए जो है वो अभी बैग वगैरह पैक करने हैं, तैयारियां वगैरह जो है वो करनी है, तो वो भी करते हैं। और जो है आज बाइक राइड पे भी चलेंगे रात की, तो बाजार भी देखेंगे कि बाजार की रौनक में क्या है, बाजार में रौनक लगी है कि नहीं लगी। और जो है माइक मैंने जो अपने हेलमेट में वो दो माइक सेट किए हैं, तो आज चेक करेंगे उनमें से एक माइक के वो कैसा रिजल्ट देता है। अगर तो उसका रिजल्ट अच्छा है तो फिर उसे रखेंगे, अगर उसका रिजल्ट अच्छा ना आया तो फिर उसे डिस्कार्ड कर देंगे। और दूसरा माइक है तो उसका इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम जब होगा तो वो करेंगे। तो अभी फिलहाल जो है कपड़े वगैरह जाके पैक कर लेते हैं, तो बैग वगैरह जो हमने पैक करना, तो आपको दिखाता हूँ जो मैंने ईद के लिए अपना सूट सिलवाया, तो वो कौन सा है। तो यहाँ से ये सूट निकाल लेते हैं, ये मेरा जो है सारा गठी जो कहते हैं गठरी कहते हैं वो है, तो इसमें से जो आप कपड़े ना ईद के वाले वो निकाल लेते हैं नीचे करके। तो एक ये सूट है मेरा, तो वो निकाल लेते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा बड़ी ईद को मैंने पहना था, तो ये वाला जो सूट है तो वो निकाल लेते हैं ईद के दूसरे दिन के लिए, इंशाल्लाह ताला पहनना पड़ेगा। और एक साथ मैं सोच रहा हूँ पेंट शर्ट जो है वो रख लूँ, ये रखूँ के जीन्स की रखूँ, तो ये तो मोटे सूट हैं, इन्हें तो यहाँ पे पड़े रहने देते हैं, तो जीन्स जो है साथ रख लेते हैं। यहाँ पे वैसे मुनीब जो है गेम खेल रहा है तो पीछे बोली जा रहा, ये जीन्स रख लेते हैं। तो एक सूट रख लिया, एक जीन्स रख लिया, और साथ जो है ये वाली शर्ट कर लेते हैं ब्लैक। तो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ मैं अपना ईद वाला सूट, तो कोई इतना ज्यादा स्पेशल नहीं है और कोई इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि मैं कहूँ कि पता नहीं कितने का है, तो ना बोलता सूट है, तो पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मुझे तो वैसे अच्छा लगा था तो मैंने खरीद लिया। तो ये है जी वो सूट, तो मैंने सिलवा लिया था, सिलवाना ही था आखिर ईद को पहनना। तो ये है जी मेरा, सिंपल ही मैंने रखा है, कोई कढ़ाई वगैरह मैंने नहीं करवाई, ये पट्टी उसने बरीक रख दी है, मैंने अच्छा किया, तो मैंने उसे शायद कहा नहीं था, तो उसने मेरी पट्टी भी है जो बरीक रख दी, चलो खैर, लेकिन फिर ये इतना बड़ा क्यों रखा है उसने, ये भी बरीक करना चाहिए था, मैंने कहा नहीं था उसने कर दिया। और साथ मैंने शलवार कही थी, उसने शलवार ही कही है, तो की होगी हाँ शलवार ही है। तो ये होगा जो मेरा ईद वाला सूट, जो इंशाल्लाह ईद के फर्स्ट डे में पहनेंगे, और ये इंशाल्लाह ईद के सेकंड डे में, और ये वैसे मैंने रख लिया, अगर बंदा पहनने की हो तो बंदा पहन लेता है, तो ये कर लेते हैं। ये हो गए तीन सूट, तो बैग जो वो पैक हो चुका है, तो अभी चलते हैं बाहर बाइक राइड पे, तो काफी ज्यादा मजा आता है रात के बाद बाइक राइड करने का। मैंने कहा चलो मैं तो करता हूँ, मैंने कहा चलो आपको भी साथ करवा देते हैं, तो अभी चलते हैं बाइक राइड पे। चलिए ये चलते हैं अभी बाइक राइड पे, तो बाइक राइड करके आते हैं थोड़ी सी। तो आज ये सेटअप है मेरा ना, वो मैंने न्यू बनाया, तो न्यू तैयार किया, तो वो चेक करना है अभी। तो ये बाइक का जो एग्जॉस्ट है मैंने पता नहीं आपको दिखाया कि नहीं, तो ये यहाँ पे फिट हो चुका है, और ये चेक करें कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे स्टिकर एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी ये बाइक जो है बाहर निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बाइक जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। चलो शुक्र है हो गई है, तो अभी मैंने वैसे घर में भी स्टार्ट की थी, पता नहीं क्या मसला है, तो अभी आवाज़ जो है तो उम्मीद है कि साफ आ रही होगी, लाइट्स ऑन। क्या पिक है यार, क्या पिक है, ये जब से एग्जॉस्ट चेंज किया तो मुझे जो इसकी पिक है उसने हैरान कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है इसकी पिक। तो यहाँ पे लड़का था तो उसने कहा था मुझे भी साथ लेके जाना, तो पता नहीं आता कि नहीं आता। क्या हाल चाल है, आ जा बैठ जा। वैसे भाई की जो पिक है चेक करें, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा काफ़ी ज़्यादा। जब से एग्जॉस्ट चेंज कराया ना तब से इसका जो मजा है वो बढ़ गया है बाइक का। तो बाजार इंटर होने वाले हैं, हम इंटर हो चुके हैं, तो यहाँ से हो जाते हैं बाजार का आगाज। तो यहाँ पे वैसे कोई शॉपिंग मॉल वगैरह नहीं है, ये जो बाजार है ये इतना
नहीं होगा ईद में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परचून कह लें या दूसरी कह लें जनरल स्टोर होते हैं, उस किस्म की दुकानें शेवाले रसादे रे। तो अभी ये बाजार यहाँ पे होगी रौनक, तो यहाँ पे लगी हुई है रौनक जूतों की दुकान पे भी, वो टक्कर बजने लगी थी, बचत हो चुकी है, बचत हो गई है लोगों ने। अब देखना कैमरा लगा के लड़का बाजार में, क्योंकि मैंने ज़्यादा बाजार के अंदर जाना नहीं, मैंने सीधे निकल जाना रोड पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कहना है ईद के दिन है और कैमरा लगा के बाजार में आ गया है मुंडा, पता नहीं क्या करने। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखें जी कितना ज़्यादा रश है भाई शवारने वाले के पास, वाह क्या बात है। बाजार मैंने पूरा आपको दिखाया नहीं, तो ये सीधा हम जो है रोड की तरफ निकल गए। बस को क्रॉस नहीं कर सकते भाई, बस तो बस है, बस का फिर क्या करना, बस के आगे तो हम भी बस हैं। तो जी पहुंच चुके हैं अपने एरिया में। तो अभी करते हैं इस लड़के को ड्रॉप और चलते हैं घर। तो राइड करके जो है वो घर आ गया हूँ। तो अभी जो माइक की क्वालिटी है तो वो एडिटिंग के दौरान ही पता चलेगा कैसी है, अगर अच्छी हुई तो वो जितना भी व्लॉग है वो सारा डल जाएगा, अगर अच्छी ना हुई तो फिर उसे कुछ सिनेमैटिक शॉर्ट्स में जो वो लोग को डाल देंगे। तो अभी भूख जो है काफी ज्यादा लग रही है, तो फ्रिज में कुछ देख लेते हैं है कि नहीं है। ये पड़ा है पीस चिकन रोस्ट का, तो इसे तो अभी गर्म कर लेते हैं ओवन में रख के। चलो भाई गरम हो जा जल्दी जल्दी, 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है इतनी जल्दी गरम हो भी गया, हो गया है गरम, अभी नहीं हुआ यार ठंडा है। लो जी हुन हो गया होना जी गरम, ते ओए होए 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 काफी ज्यादा गरम है। ओए कपड़ा कहाँ है, कपड़े से उठाते हैं, काफी ज्यादा गरम हो गया। इसे कपड़े के साथ उठा के ले जाते हैं, काफी ज्यादा गर्म हो गया, तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा गर्म करना है। तो अभी हाल पता नहीं मैं कैसे लगाऊंगा इसे, तो यहाँ पे बैठ के खा लेते हैं। बहुत ज्यादा गर्म हो गया, इतना ज्यादा गर्म कर लिया, सख्त भी हो गया। वैसे मुझे लगता है कभी कभी ना मैं डक्की की नकल लगाता हूँ, तो थोड़ी अंदर अंदर से मैं उसका फैन हो गया, तो व्लॉगिंग काफी अच्छी करता है मेरे मुताबिक। फैमिली व्लॉग्स नहीं होते फिलहाल उसके, हो सकता है आइंदा फैमिली व्लॉग बना ले, लेकिन ये काफी ज्यादा मजेदार बना है। रोजा रख के ना देखना ये मेरी वीडियो, हाँ रोजा लग जाएगा मजेदार। अभी मैं अपने रूम में आएगा, तो मैंने कहा जरा व्लॉग श्लॉग है वो एडिट कर लेते हैं। वैसे ये जो कार है मैं मेरी ड्रीम कार है, तो आप दुआ करें कि मैं इंशाल्लाह ये अचीव कर सकूं। तो वैसे तो मजाक लग रहा है मुझे, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना भाई, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और ये चीज करेंगे। अभी मैं जो है व्लॉग है वो एडिट कर लूँ। अभी जो व्लॉग है मैं एडिट कर रहा था, तो मोटो व्लॉग और जब मैंने ऑडियो सुनी है तो काफी ज्यादा डिसहार्ट हुआ, तो काफी ज्यादा जो मेरा मोटो व्लॉग है वो खराब गया, जितना मैंने डाला है वो थोड़ा सा गुजारे लग था, तो इसलिए मैंने डाली है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सा माइक था जिसकी वजह से उसने काफी ज्यादा जो नॉइज है वो उसने कैच किया, तो व्लॉग नहीं ठीक है। मतलब माइक आया आपने देखना तो वो वैसे मैं उतार दूंगा अच्छे रहने दे, तो काफी ज्यादा जो है वो उसने जो आवाज है वो की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो व्लॉग होगा मोटो व्लॉग तो वो हम दूसरे जो माइक है उसके साथ करेंगे, तो हो पाया कि उसके साथ जो है व्लॉग जो है अच्छा होगा। तो अभी ये व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, तो तकरीबन नाम सब व्लॉग बन गए, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें थोड़ा सा। अल्लाह हाफिज़।